भाजपा युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष कार्तिक हरबोला ने हल्द्वानी स्थित भाजपा कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 अक्टूबर को विजय चौक पर मेरी माटी मेरा अभियान के समापन कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। मेरी माटी मेरा देश अभियान के अमृत कलश यात्रा के समापन पर 30 और 31 अक्टूबर को आयोजित कार्यक्रम में 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 767 जिलों के 7000 प्रखंडों से 20,000 से अधिक प्रतिनिधि अपने साथ 8,000 से अधिक अमृत कलश लेकर पहुंचेंगे। इसी क्रम में उन्होंने बताया कि नैनीताल जिले से भी 200 से 250 युवा वीरों को नमन करते हुए पवित्र मिट्टी लेकर दिल्ली पहुंचेंगे। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। देखिए, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने एक कल्पना के तहत मेरा माटी मेरा देश करके कार्यक्रम का आयोजन पूरे भारतवर्ष में किया। इसमें जगह जगह हमारे जो वीर बलिदानी हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, हमारे वीर जो शहीद हैं, उनके घरों की, उनके जहां वो रहते थे उस गांव की, उन सब की मिट्टियों को एक कलश में एकत्रित करके उसको लेकर हम सब लोग 30 और 31 तारीख को एक बड़े कार्यक्रम के तहत जो हमारा कर्तव्य पथ है उसमें उस मिट्टी को हम लोग संग्रहित करके एक साथ उसको वहाँ पर रखेंगे और उसके बाद वहाँ पर जो एक वीरों की वाटिका बनने वाली है, एक वीर वाटिका वहाँ पर बनेगी और 31 अक्टूबर को आदरणीय प्रधानमंत्री जी उसको संबोधित करके उस सारी मिट्टी को वहाँ पर कलेक्ट करेंगे। तो इसी में हमारे जो युवा मोर्चे के अपने जो जिले के कार्यकर्ता हैं और अन्य युवा भी जो उस कार्यक्रम के साक्षी बनना चाहते हैं, उन सब लोगों को 31 अक्टूबर को हम लोग बसों के माध्यम से यहाँ से दिल्ली ले जाएंगे और वो सब जो हमारे वीर हैं उनको हमें हमेशा याद रखना चाहिए, हमेशा उनका स्मरण रखना चाहिए। तो इस सोच के साथ सारे युवा इसमें प्रतिभाग करेंगे।